मशहूर संगीतकार राजेश रोशन हिंदी सिनेमा के दिग्गज संगीतकारों में से एक है। उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपने संगीत से दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई। इतना ही नहीं, राजेश रोशन कई गायकों और कलाकारों को भी अपने संगीत से अलग पहचान दिला चुके हैं। आज हम आपको राजेश रोशन के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य बताने जा रहे हैं। राजेश रोशन का जन्म 24 मई 1955 को हुआ था। उनके पिता हिंदी सिनेमा के मशहूर संगीतकार रोशन लाल नागरथ थे। उनके भाई अभिनेता राकेश रोशन हैं। राजेश रोशन के भाई राकेश और भतीजे ऋतिक रोशन बॉलीवुड के जाने माने कलाकार हैं। राजेश रोशन ने अभिनय के दुनिया में कदम रखने के बजाय संगीत को अपनाया। उन्होंने एक से बढ़कर एक गानों में अपना संगीत दिया। बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि राजेश रोशन ही ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन को बतौर गायक पहला मौका दिया था। अमिताभ बच्चन ने अपना पहला गाना साल 1979 में आई फिल्म मिस्टर नटवरलाल में गाया था। इस फिल्म के गानों में संगीत राजेश रोशन ने ही दिया था। फिल्म मिस्टर नटवरलाल में अमिताभ बच्चन ने मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनाऊं गाने को अपनी आवाज दी थी। बतौर संगीतकार राजेश रोशन ने अपने करियर की शुरुआत साल 1974 में फिल्म कुंवारा बाप से की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान 1975 में फिल्म जूली से मिली। जूली के गानों को संगीत प्रेमियों ने खूब पसंद किया था। राजेश रोशन को इस फिल्म के संगीत के लिए फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पुरस्कार भी मिला था। यही पुरस्कार राजेश रोशन को दोबारा भतीजे ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है के लिए मिला था। फिल्म कहो ना प्यार है साल 2000 में आई थी। फिल्मों में राजेश राकेश रोशन और ऋतिक रोशन की तिकड़ी हमेशा से सुपरहिट रही है। जहां राकेश रोशन फिल्म का शानदार निर्देशन करते हैं, तो वहीं राजेश रोशन फिल्म में बेहतरीन संगीत के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही ऋतिक रोशन का अभिनय हमेशा से तारीफ काबिल रहा है। इन तीनों ने कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, क्रिश 3 और काबिल जैसी फिल्मों में साथ काम किया है।